हेलो गाइस, नया दिन नई सुबह से शुरुआत कर रही हूँ। अभी ये देखो, पूजा की फूल की थाली मेरी गार्डन से चुन चुन के लाई हूँ। सो अभी मैं पूजा पाठ कर लूँगी, उसके बाद कुछ खा पी के दिन की शुरुआत। पहले मैं माता को प्रणाम करती हूँ। देखो कितने कपड़ा निकल रही हूँ आज धुलाई करने के लिए, क्योंकि पूजा एकदम नज़दीक है। और मुझे अपनी हाथों से कपड़े धुलाई करने में ज़्यादा मज़ा आती है, इसलिए मैं खुद धुलाई करती हूँ कभी कभार। गाइस, सो गाइस, आज मतलब कपड़ा धुलाते धुलाते मैं इतनी थक गई हूँ, क्या बताऊँ। मतलब पेट में भी दर्द होने लगी है, बहुत थक गई हूँ सुबह से। मतलब कपड़ा बहुत मतलब मैंने धोई, क्योंकि दूसरों के हाथ से धोने से मुझे पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं खुद धोती हूँ। अभी थोड़ी टाइम ऐसे लेटी हुई हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। मतलब खाना बनाऊँगी, मछली लाए हैं मार्केट से हस्बैंड, सो उन लोगों के लिए बनाऊँगी। सरसों के साथ ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, लेकिन आज मैं बहुत थकी हूँ। रेसिपी बोल के नहीं, सुबह से लेके थोड़ी बहुत आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही थी गाइस, क्या क्या मैंने की। मतलब सुबह पूजा पाठ कर ली, ब्रेकफास्ट भी उन लोग को दे दी, वीडियो करने की मतलब मौका ही नहीं मिली, इतनी काम पे मैं कैसे वीडियो करूँ। सो अभी मैं किचन जाऊँगी खाना बनाने के लिए। 20 मिनट्स जैसे मैंने रेस्ट कर ली, अभी मैं किचन जाऊँगी और थोड़ी बहुत क्या बना रही हूँ आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगी। सो आज एकदम सिंपल तरीके से बना के रख दूँगी, क्योंकि इवनिंग को शायद थोड़ी मार्केट भी जानी है मुझे, इसलिए ज़्यादा नहीं बनाऊंगी आज। सो वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए गाइस। काला जीरा मछली की फूरन देने वाली, सरसों, पोस्तो, मिर्चा, लहसुन, क्योंकि आज बहुत जल्दीबाजी हो रही है गाइस, इसलिए फटाफट कर रही हूँ। तेल गर्म हो गई है, फूरन में काला जीरा दिया और जो ये पेस्ट थी पेस्ट को मैंने डाल दी इधर, पोस्तो और सरसों मिर्चा की जो पेस्ट बना के रखी थी। आज जल्दी मजे में मतलब अच्छे से दिखा भी नहीं पा रही हूँ, फिर भी छोटी मोटी रेसिपी आप लोग के सामने ला रही हूँ गाइस। और ये जो मिक्सिंग जग में मसाले लगे हुए थे उसका पानी दे रही हूँ। सो गाइस देखो, ये फूट रही है मसाला, मतलब हो ही गई है थोड़ी बहुत। अभी मछली को मैं दे रही हूँ, मछली को पहले 1 घंटे से पहले मैं मैरिनेट करके फ्रिज में रख दी थी, लाल मिर्च कलर, नमक, हल्दी देके, थोड़ी सरसों का तेल। सो देखो गाइस अच्छे से हो रहे हैं। और ये है बोराली मांस, अच्छे से हो रहे हैं। देखो गाइस, अभी थोड़ी टाइम ढक्कन लगा के रख दूंगी मैं, और थोड़ी ग्रेवी ही बनाऊंगी गाइस, ज़्यादा पानी भी नहीं दूंगी। थोड़ी मतलब ग्रेवी ग्रेवी होने से मतलब देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है। तो देखो, ढक्कन एक बार निकाल दी, फिर से अभी मतलब ढक्कन को खोल दी। ये है दोनों हाथ, इसको मैं बॉईल करूँगी लहसुन, अदरक और आलू के साथ, इसका भरता बनाऊँगी। अभी ये बॉईल कर रही हूँ गाइस, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, आप लोग ने देखा बहुत बिजी थी। अभी थोड़ी सरसों का तेल दे रही हूँ, देखिए गाइस एकदम बक 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 करके उबाल रही है, कलर भी कितनी अच्छी आ रही है देखो गाइस। और लास्ट में मैं हरा मिर्चा दे रही हूँ, मिर्चा ऑप्शनल है, जिसको ज़्यादा खाना पसंद है वो ज़्यादा दे सकते हैं, जिसको कम खाना पसंद है वो कम दे सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम ही खाती हूँ। पहले बहुत झाल खाती थी, आजकल थोड़ी झाल कम करके ही खाती हूँ। सो देखो गाइस, देखने में कितनी सुंदर लग रही है, देखो एक बार प्लीज ये मेरी छोटी मोटी रेसिपी ट्राई करके देखो। जिसको बोराली मांस पसंद है उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा, मतलब मुंह में देखने से पानी आ रही है ना गाइस। फाइनली मेरी ये सिंपल सा रेसिपी कंप्लीट हो गई, और इतनी ज़्यादा कुछ भी बना नहीं पाई आज मैंने गाइस। थोड़ी पास से दिखा रही हूँ, देखो और ये आज की लंच थाली है मेरी मिस्टर की। देखो दाल,
ये भी एक मछली बना के रखी थी भट्टा, और ये बुआल मास की सरसों के साथ जो रेसिपी है वो। सो आज की ये असमी लंच थाली कैसी लगी गाइस? देखो देखने में तो बहुत, साथ में भूत जलकिया और नींबू भी है क्योंकि बहुत पसंद है उसको भूत जलकिया। और अभी इवनिंग हो गई, थोड़ी बाबा के लिए लैपटॉप देखने में चली गई गाइस। बाबा को न्यू लैपटॉप ला के दूँगी। ये देखो मेरे हाथ भी जल गए हैं फटाफट काम करने टाइम, मतलब हमेशा हाथ मतलब जलती रहती है मेरी। सो गाइस मार्केट से मैं आ गई, थोड़ी टाइम हुई है क्योंकि मैं उधर इतनी अच्छे से आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई। आज मतलब खास काम के लिए नहीं, बाबा की एक लैपटॉप देखने के लिए गई थी गाइस। उसका मतलब क्लास के लिए भी चाहिए, थोड़ी फ़ोन से ज़्यादा करने से थोड़ी आँख में प्रॉब्लम भी होती है, लैपटॉप पे करने से थोड़ी राहत भी मिलेगी, फ़ोन नहीं तो हमेशा फ़ोन देखती रहेगी, आपको की बात है ना। सो ऐसे ही मैं मतलब देखने के लिए चली गई थी। सो आप लोग के साथ सुबह से मैं जुड़ी हुई थी, आप लोगों ने देखा गाइस। आज मतलब मैं एकदम मतलब थक गई हूँ, हस्बैंड भी आए थे सो वो भी चले गए अभी। अभी तो मतलब क्या बोलूँ, टाइम भी हो गई है, वीडियो को और बड़ा नहीं करूँगी। छोटी मोटी बोराली मास की सरसों के साथ एक रेसिपी, सिंपल रेसिपी आप लोग को दिखाई, फटाफट मतलब दिखाई, अच्छे से नहीं दिखा पाई। सो खाने का थाली भी दिखाई जो मैं अपने मिस्टर के लिए सजा रही थी, आप लोग को दिखाने की कोशिश की। सो कैसी लगी गाइस आज की मेरी ये छोटी मोटी ब्लॉग? सो अच्छी लगी तो लाइक करना, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो नेक्स्ट ब्लॉग और रेसिपी के साथ आप लोग की मूड फिर से हाजिर होंगी। सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।